अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ जहाँ जा रहे हैं सब खैरियत से रहें। आज मैं बना रही हूँ बन गोभी गोश्त। जो मैंने एक पाव मैंने गोश्त लिया है, आप चिकन भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने लिया है बन गोभी लिया है, एक पाव बन गोभी है, चार प्याज है, दो टमाटर जिनको मैंने काट लिया है, पिसी हुई लाल मिर्च है, नमक एक चम्मच है, हल्दी आधा चम्मच है, ज़ीरा और साबित धनिया है, ये एक एक चम्मच है पिसा हुआ। अब मैं तेल डाल रही हूँ, एक कप तेल लेंगे इसमें। गर्म हो गया ही, हमने एक चम्मच अदरक लहसुन डाल दिया इसमें, खत्म हो जाएगा। फिर हम गोश्त डालेंगे इसमें, ये हो गया है, अब हम गोभी डाल देंगे। इसको दो मिनट में से भूनूंगी, फिर उसके बाद में मसाले डालूंगी। अब ये देखिए मैंने भून लिया है, अब प्याज डाल दूंगी। ये मैंने इसको चकोर चकोर काट लिया था स्क्वायर पीसेस में, टमाटर में डाल दूंगी साथ, ये सारे मसाले ये मैं डाल दूंगी साथ ही, इनको मिलाऊंगी मिक्स करके। दो मिनट पकाने के बाद बस एक प्याला पानी डाल के मैं बंद कर दूँगी, जब तक गोश्त ना गल जाए। इसको भून लेंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे, ये पानी में ही गलेगा, तो हम पानी नहीं डालेंगे, गोश्त हमारा गल चुका है। हल्का सा भून के हम दम पे स्लो आंच में पकाएंगे इसे। हमारा इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, मिला देंगे, मिक्स कर लिया हमने। जी जनाबी, हमारा तैयार हो गया बन गोभी गोश्त। इसको बनाइएगा और फिर खा के बताइएगा कैसा बना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।